हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बात लोकसभा चुनावों की हो रही है क्योंकि इसमें लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, और ऐसा ही एक बयान क्योंकि जब चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अशोक तंवर पहुंचे तो जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत में तंवर ने कहा कि अगर बीजेपी ने सेलिब्रिटी शामिल किए हैं तो कांग्रेस ने भी हाथ का हथौड़ा बिजेंद्र सिंह को शामिल किया। साथ ही तंवर ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है और इन चौकीदारों को जनता वोट की चोट पर चलता करेगी और इनेलो तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। इस दौरान तंवर ने दावा किया कि सिरसा सीट से वो भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। सेलिब्रिटियों के मुकाबले में हमने बॉक्सर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, उसके बाद उनके जो प्रत्याशी वो किसान विरोधी, भारतीय जनता पार्टी का कभी इस इलाके में अस्तित्व नहीं रहा। इन्हें लोग खत्म हो चुकी है तो मुकाबला किससे होगा? ना कोई दाएं, ना कोई बाएं, ना कोई आगे, ना कोई पीछे। दूर दूर तक जो है विपक्षी दलों का कोई अस्तित्व दिखाई हरियाणा के अंदर नहीं देता।